हार्दिक स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल जीरो में। आज हम लोग ICSE क्लास 10 का मैट्रिसेस चैप्टर पे डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। और क्या पढ़ेंगे आज इसमें कि मैट्रिसेस यानी कि मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट और एडिशन सब्ट्रैक्शन स्केलर मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स ये पढ़ेंगे और एक ही वीडियो में मैट्रिक्स चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अब मन में प्रश्न ये उठता है कि मैट्रिसेस और मैट्रिक्स में अंतर क्या है। तो मैट्रिक्स का प्लुरल फॉर्म जो होता है वह मैट्रिसेस हो जाता है। तो बेसिकली हम लोग मैट्रिक्स वर्ड ही यूज करेंगे, ठीक है। चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस, क्लियर हो बात। तो इसका कॉन्सेप्ट जो दिए थे सबसे पहले मैट्रिक्स का जो कॉन्सेप्ट लाए थे वो थे आर्थर कैले, ठीक है। तो उन्होंने मैट्रिक्स के बारे में प्रॉपर्टीज़ वगैरह का जानकारी दिए थे। तो शुरुआत करते हैं कि मैट्रिक्स क्या है, कैसे है, जैसे समझते हैं। देखो जैसे कि क्लास में क्लास टीचर जो था वो बोला चलो बाहर चलो, जो मैदान है बाहर वहाँ पर चलो सब खड़े हो, खड़े हो जाओ, सब कोई को बोला खड़ा होने के लिए। तो बच्चे गए, यहाँ पे खड़े हुए, यहाँ खड़े हुए, फिर यहाँ खड़े हुए, यहाँ खड़े हुए, यहाँ खड़े हुए, ख़त्म हो गया जगह। फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे फिर ख़त्म। फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ, स्टार्ट हो रहा है, फिर ख़त्म, फिर स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। फिर बच्चे यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और यहाँ पे ख़त्म हो जा रहे हैं, ठीक है। बच्चे यहाँ से स्टार्ट किए खड़ा होना और यहाँ पे ख़त्म हो गए। तो ये जो एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये कैसा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ रहा है। यानी कि क्या बोलना चाह रहे हैं हम कि मतलब मैट्रिक्स का डिफिनेशन क्या आया, एक बार जैसे बात कर लेते। ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में नज़र आ रहा है और ये जो इसको बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल और इसको बोलते हैं क्या वर्टिकल, ठीक है। तो ए रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ नंबर इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन इज नोन अ मैट्रिक्स, ठीक है। यानी कि ये जो रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर बना ना, किसका बना, ये नंबर का रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर बना है ना, किससे बना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के हेल्प से बना है, तो उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स इस ब्रैक मतलब ये जो ब्रैकेट समझ लो, ब्रैकेट समझ मतलब हम लोग यूज करते थे ना, लेकिन ये ब्रैकेट नहीं बोलेंगे, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का ये सिंबल है, ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन को मैट्रिक्स में क्या बोलते हैं पता है, रो बोलते हैं। और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं मैट्रिक्स में, कॉलम बोलते हैं। और इसमें जो नंबर था, जो स्टूडेंट थे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है। सिर्फ यही एलिमेंट है नहीं, सारे एलिमेंट हैं, ठीक है। ये एलिमेंट हो गया, रो हो गया, कॉलम हो गया, और इसको हम लोग एक कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे मैट्रिक्स को। अब हम तुमसे पूछे कि बताओ कितने बच्चे हैं इसमें, ये जो रेक्टेंगुलर फॉर्म है बच्चों का कितने हैं, तो तुमने क्या किया, काउंट किया, 1 2 3 4 5। और फिर तुम्हें पूरा काउंट नहीं किया, तुम ये 5 काउंट किया, फिर 1 2 3 4 5, तो तुम क्या कर दिए, 5 × 5, यानी तुमने बता दिया हमें कि 25 बच्चे हैं, है ना, ऐसे बता दिया ना। देखो 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, ऐसे किए काउंट और मल्टीप्लाई करके बता दिए कितने बच्चे, पूरा नहीं करना पड़ा, 5 फिर 6 7 8 9 10, वैसे नहीं किए तुम, है ना। अच्छा, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर मैट्रिक्स के केस में। और इसको कैसे लिखते हैं, m/n, ये जो मल्टीप्लाई का सिंबल है उसको हम बाई बोलेंगे, m/n। m क्या रिप्रेजेंट करता है, n क्या रिप्रेजेंट करता है, m जो है ना वो रो को रिप्रेजेंट करता है, याद रखना मैट्रिक्स में हमेशा रो पहले होता है और कॉलम बाद में होता है, ठीक है। m/n ये क्या हो गया, रो इंटू कॉलम। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, m/n, ये ऑर्डर हो गया उसका, ठीक है। मैं तुमसे पूछा कि ये जो एलिमेंट है इसका पोजीशन बता सकते हो क्या, क्या है ये जो मैंने स्टार्ट किया उसका पोजीशन बता सकते हो, ये जो मैंने स्टार्ट किया इसका पोजीशन बता सकते हो मैट्रिक्स में। मैं तुमसे पूछा कि इसका पोजीशन बता सकते हो क्या मैट्रिक्स में, तुम बोले ओके क्यों नहीं बता सकते, ये अगर तुम देखो, ये अगर देखो तो सेम वही बातें हैं। ये जो पोजीशन क्या है इसका, इसका पोजीशन क्या, अगर तुम गौर करो तो देखो, सेकेंड रो है और फिफ्थ कॉलम है,
उसका पोजीशन हो गया। इसका पोजीशन अगर हम तुमसे पूछे तो क्या बोलोगे, थर्ड रो और सेकेंड कॉलम है, थर्ड रो है ना, देखो फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो और ये फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, तो थर्ड रो और सेकेंड कॉलम। मैं तुमसे पूछा कि इसका पोजीशन बता सकते हो क्या होगा, तो इसका पोजीशन तुम लोग बिल्कुल बता सकते हो, ये फोर्थ रो और थर्ड कॉलम है ना। मैं तुमसे पूछा, अच्छा बस हो गया, तो यही था। तो ऑर्डर हम लोग समझ गए, रो कॉलम समझ गए, मेन बात हम लोग समझ गए। इसको पूरा मैट्रिक्स को हम लोग अगर चाहे रिप्रेजेंट करना तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए आई कॉमा जे, ये आई क्या है, वही उसके रो और कॉलम को बता रहा है, और ये क्या हो गया एम बाई एन, एम बाई एन इसके ऑर्डर हो गया मैट्रिक्स का। आई जे ए, ए ए एलिमेंट का होगा, मतलब कि मैट्रिक्स के भीतर जो एलिमेंट होंगे ना उसको हम लोग स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे और मैट्रिक्स को ना कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर हो ये बातें? तो स्मॉल ए और आई कॉमा जे, आई जे क्या बता रहा है, इस एलिमेंट का पोजीशन को बता रहा है कि मैट्रिक्स में वो एलिमेंट कहाँ पे, कौन सा रो कौन सा कॉलम में एग्जिस्ट कर रहा है, उसको यहाँ पे आई कॉमा जे से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। क्लियर हुआ? तो मैट्रिक्स को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ से कुछ बातें और जानते हैं, जैसे कि अब तुमसे ये तो मैट्रिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट था, हम लोग क्लियर कर लिए। तुमसे अब हम पूछेंगे कि बताओ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या है, ठीक है, रो मैट्रिक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स क्या है, ठीक है। मैं तुमसे बोला कि बताओ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स है ए और बी, ये दोनों इक्वल होंगे, कंडीशन क्या है, दो मैट्रिक्स का इक्वल होने का कंडीशन क्या है? तो पहला कंडीशन क्या है कि इसका ऑर्डर सेम होना होगा। क्या मैंने बोला? इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम होना होगा, पहला बात, दोनों का ऑर्डर सेम होना होगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, कॉरेस्पोंडिंग एलिमेंट भी सेम होना होगा। कॉरेस्पोंडिंग एलिमेंट सेम होने का मतलब क्या है, जैसे कि मान लो ए वन ए टू बी वन बी टू, इसका ऑर्डर कितना है बता सकते हो, 2,2। यहाँ पे क्या आ गया, मान लो ए थ्री ए फोर बी थ्री बी फोर, तो ए वन इज इक्वल्स टू ए थ्री होना होगा, ए टू इज इक्वल्स टू ए फोर होना होगा, बी वन इज इक्वल्स टू बी थ्री होना होगा, बी टू इज इक्वल्स टू बी फोर होना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हमने बोला कि उसका ऑर्डर भी सेम होना होगा और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना होगा इक्वालिटी ऑफ अ टू मैट्रिक्स के केसेस में। इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद हमने तुमसे बोला कि बताओ रो मैट्रिक्स क्या है, इरेज कर रहे हैं इसको, हाँ, रो मैट्रिक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स क्या है, जीरो मैट्रिक्स क्या है। तो मैं तुमसे बोला कि बताओ रो मैट्रिक्स क्या है, ठीक है, तो जिसमें केवल एक ही रो हो, एग्जांपल के तौर पे 1,0,7,8, इसका अगर हम ऑर्डर का बात करें तो क्या है, 1,4 है ना, देखो रो एक है और कॉलम कितने, 4 है, तो केवल एक ही एलिमेंट हो, कॉलम मैट्रिक्स एलिमेंट नहीं, एक ही रो हो, ठीक है। उसके बाद क्या, कॉलम मैट्रिक्स इसका बात करें अगर, तो वन इसी को लिखते हैं 0,7,8, जिसमें केवल एक कॉलम हो, तो रो कितने हैं, 4 है और कॉलम कितने, 1 है, जिसमें केवल एक कॉलम हो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। जीरो मैट्रिक्स क्या होगा, वो मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट जो है वो सारे के सारे क्या होंगे, जीरो होंगे, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, वो मैट्रिक्स जैसे कि मान लो हमने लिखा 1,0,1,0,0,1 और 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या बोलेंगे हम, कि डायगोनल में ये जो डायगोनल एलिमेंट है ना ये सारे क्या होंगे, 1 होंगे, ठीक है, और बाकी सारे एलिमेंट 0 होंगे। मैंने यहाँ पर एक नहीं आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं डायगोन मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज कर गया, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, इसकी जो डायगोनल में एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे 0 होंगे, 1 होंगे, और बाकी सारे क्या होंगे, 0 होंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसका डायगोनल जो है वो क्या होगा, 1 होगा और बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे, वो क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल, ये तो क्या था, ऑर्डर 3 का था, इसका एक और एग्जांपल 1,0,0,1, ठीक है, ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो रो कॉलम जीरो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बस ये हो गया। अब एक क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन देखो,
एक्सरसाइज 8.1 का एक क्वेश्चन है, एम एल अग्रवाल चैप्टर बुक का, ठीक है। 8.1 एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन मैंने बताया जो थोड़ा सा बड़ा टाइप का है, कि इसमें से फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई ए एंड बी, ये दो तुमसे पूछा है कि क्या होगा। तो देखो इस ये दो मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है, तो ऑर्डर सेम है और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना होगा। पहला कंडीशन, दो कंडीशन जो था मैंने शुरू में बताया था। तो इसमें से देखो 3x + 4y इज इक्वल्स टू 2, ये एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर होगा, ठीक है। ये एलिमेंट इस एलिमेंट को ऑलरेडी बराबर है, x - 2y 4 के बराबर होगा, x - 2y जो है वो 4 के बराबर होगा। तो क्या ये दिख रहा है कि ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। आगे बढ़ते a + b जो है वो 5 के बराबर होगा, a + b जो है 5 के बराबर होगा, 2a - b जो है 2a - b जो है वो -5 के बराबर होगा, -1 - 1 तो इक्वल है ही। तो इसको दोनों को सॉल्व करेंगे, ये दोनों को सॉल्व करेंगे, बात खत्म, निकल गया। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, नहीं यहाँ इक्वेशन 1 2 लिख दिए, ये 2 और 3 होगा, चलो कोई नहीं। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, नॉर्मल या तो एलिमिनेशन मेथड, इसमें क्या करेंगे नॉर्मली ऐड कर देंगे, तो बी भी कट जाएगा, 2a + a क्या हो जाएगा 3a, और 5 - 5 क्या होगा 0, यानी a क्या आ गया 0। इस a के वैल्यू को तुम b में रखोगे, मतलब b में बोल रहे हैं, इक्वेशन 1 में रखोगे या इक्वेशन 2 में रखोगे जैसे तुम्हारा इच्छा, तो a के वैल्यू तुम अगर इसमें रखोगे 0 तो b क्या आएगा 5 आ गया, बात खत्म, एक निकल गया। दूसरा क्या पूछा है, इसको देखो अगर हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, तो इस इक्वेशन 1 में +4y है, इक्वेशन 2 में -2y है, तो क्यों ना मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इस इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा फाइनली 3x + 4y = 2 और 2x - 4y = 8। तो क्या करेंगे नॉर्मली ऐड, तो ये देखो ये पूरा कट गया ना, ये पूरा कट गया, क्या बचेगा 3 + 2 5x = 10, तो x क्या आ गया 10/5, यानी कि x क्या आ गया 2 आ गया। इस x के वैल्यू को तुमको जैसा मन करे इसमें रखो या इसमें रखो, तो हम इक्वेशन 1 में अगर रखते हैं, यहाँ नहीं रखना है इसमें, मतलब स्टार्टिंग इक्वेशन में रखना है, ठीक है। तो x के जब क्या रखेंगे हम 2 रखेंगे, और 3 वहाँ पे है, 3 × 2 + 4 × y = 2, 3 × क्या आ गया 6 आ गया, 2 - 6, तो यहाँ क्या आ गया -4, तो y = -4/4, यानी क्या आ गया -1। तो x = 2y - 1, a₀ b₅, a₀ b₅, x क्या आया 2 और y क्या आ गया -1 आया। ज़रा इसका आंसर चेक कर लिया जाए एक बार, सही है कि नहीं है। 8.1 का 10 नंबर, x = 2y - 1, a₀ b₅, ठीक है। तो क्या करना है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर मैंने एक क्वेश्चन बनाया, सब एक जैसा क्वेश्चन है, एग्जांपल कुछ बनाओगे, चैप्टर बनाओगे, सब बन जाएगा, और समझ तो लिए हो, स्क्रीनशॉट ले लो, एक अलग कॉन्सेप्ट की ओर आते हैं। देखो अब क्या पढ़ना है, हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिए मैट्रिक्स का, अब मैट्रिक्स का जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ लेते हैं। तो मैट्रिक्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन वैसे ही होता है कि जैसे तुम क्लास 2 या 4 में एडिशन सीखे हो, वही है। देखो एक को एक मैट्रिक्स है, ठीक है, 2 4 3 4 5 6, और बी को एक मैट्रिक्स है, 2 2 3 3 2 4। तो मैं बोला कि दो मैट्रिक्स को ऐड करना a + b को, तो ऐड करेंगे हम, तो कैसे ऐड करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे, 2 को 2 से ऐड करेंगे, 4 को 2 से ऐड करेंगे, 3 को 3 से ऐड करेंगे, 4 को 3 से ऐड करेंगे, 5 को 2 से ऐड करेंगे, 6 को 4 से ऐड करेंगे। ये था एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, बस यही है, जैसे तुम ऐड कर किए हो, ऐड सीखे हो, वही ऐड। सब्ट्रैक्शन क्या है, सेम वही कहानी, a माइनस बी। अच्छा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए भी ऑर्डर का सेम होना पड़ेगा, ऑर्डर सेम होना पड़ेगा, दो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना, दोनों का ऑर्डर भी सेम होना होगा। तो ए माइनस बी, तो वैसे ही जैसे किए हो तुम, 2 इसका एलिमेंट 2, इसका एलिमेंट भी 2 2 माइनस 2, ये 4 और ये 2 माइनस 2, ये 3 और ये -3, ये 4 ये -3, ये 5 ये -2, ये 6 ये -4, बस। अब तुम इसको नॉर्मली सब्ट्रैक्ट कर लोगे, जो आएगा आएगा। तो ये सब्ट्रैक्शन था, ये एडिशन था। अब जैसे देखो कि ये एक मैट्रिक्स है ए, और कोई एक नंबर है, कोई एक नंबर है, रियल नंबर है, मान लो 3। तो क्या 3 को ए से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, 3 × a। तो क्या करोगे,
जैसे कि हम लोग बचपन में सीखे थे, 2 को x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करना है, तो ब्रैकेट के भीतर जितना एलिमेंट होंगे सब एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ भी सेम होगा, ठीक है। 3 × 2 4 × 3 3 × 3 4, ये एलिमेंट है 4 को 3 से मल्टीप्लाई, ये एलिमेंट 5 है 5 को 3 से मल्टीप्लाई, ये 6 है 6 को 3 से मल्टीप्लाई। तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन है मैट्रिक्स का, क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन को करते हैं, जैसे देखो इसको क्या है, ठीक है, क्वेश्चन को करते हैं, एक क्वेश्चन को करते हैं, जैसे कि जैसे एक सिंपल से सवाल देखो, पहले x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7 0 7 0 2 5 7 0 2 5, और एक और मैट्रिक्स मतलब x माइनस वाई जो है वो क्या है, इक्वेशन 3 0 0 3, यही है, ठीक है, 3 0 0 3 ये है। तो इसको जैसे सॉल्व करना है, आओ देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये, ठीक है। देखो आसानी से सॉल्व होगा, क्या करना है, बस नॉर्मल ऐड कर देना, ठीक है। ऐड किंग वाई वाई कटा तो क्या आएगा, एक्स प्लस एक्स 2x हो जाएगा, इन दोनों का ऐड करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होगा, अभी मैंने बताया था, तो 7 और 3 ऐड होगा क्या होगा 10, 0 और 0 ऐड होगा क्या होगा 0, 2 और 0 ऐड होगा क्या होगा 2, 5 और 3 ऐड होगा क्या होगा 8, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 चला जाएगा तो क्या हो गया 10 2 0 8, मतलब कि 2 से डिवाइड कर देना है भीतर के हर एक एलिमेंट को, तो क्या आ जाएगा, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5, 0 को डिवाइड करेंगे 0, 2 को डिवाइड करेंगे 1, 8 को डिवाइड करेंगे आएगा 4। तो x तो आया ये 5 0 1 4, इस x के वैल्यू को तुम यहाँ रखो या यहाँ रखो, मान लो हम यहाँ रखते हैं x के वैल्यू, x क्या है 5 0 1 4, है ना, और प्लस y इज इक्वल्स टू क्या है 7 0 7 0 2 5, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या होगा 7, जैसे तुम लोग सीखे हो बस वही बातें हैं यहाँ मैट्रिक्स में, कुछ अलग नहीं है, ठीक है ना, 5 0 1 4। तो सब्ट्रैक्ट करना है तो 7 - 5 0 - 0 2 - 1 और 5 - 4, तो 7 - 5 ये कितना आएगा 2, 0 - 0 1, 2 से 1 1, 5 से 4 1, तो 2 0 1 1, x ये आया, y ये आया, क्या क्या आया, x 8.2, 5 0 1 4 और 2 0 1 1, ठीक है। कुछ टफ क्वेश्चन करते हैं, ये देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन था, कोई एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, तो ये भी अभी हम लोग ML अग्रवाल का एक्सरसाइज 8.2 में आ गए हैं, ठीक है। यहाँ से तुम्हें क्या करना है, यहाँ से तुम्हें निकालना है ABC, फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको निकालना है क्या, यहाँ से ABC निकालना है। देखो ये एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स, ये दोनों ऐड है, ये सब्ट्रैक्ट है, तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो क्या आएगा A+2, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होता है A+2, 3 + B, 4 + 1, 2 - 2, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करना है किससे, 1 1 - 2 C से, चलो ये भी ठीक है, है ना। अब क्या होगा, A+2 - 1 A+2 - 1, 3 + B - 1, 4 + 1 क्या होगा 5 5, देखो 4 + 1 क्या होगा 5, -2, यानी कि एक्चुअली में क्या होगा प्लस ही हो जाएगा, 2 - 2 0, 0 - C - C हो गया, इज इक्वल्स टू 5 7 0 3, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, इक्वल होगा, इक्वल बीच में इक्वल इक्वल का सिंबल आ गया है, तो A+1, ये तो A+1 इज इक्वल टू क्या हो गया 5 हो गया, अच्छा ये क्या हो गया 3 से 1 चला गया 2 2 + B इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया, ये भी ठीक है। देखो 5 + 2 7 7, सेम है, -C इज इक्वल टू क्या हो गया 3 हो गया। अब यहाँ से ये जो A+1 इज इक्वल टू 5 है, यहाँ से ए क्या निकल के आएगा, ए क्या निकल के आएगा 4, है ना, 1 उधर चला जाएगा, यहाँ से बी क्या निकल के आएगा -2, ठीक है, 2 उधर चला गया, ये क्या हो गया C इज इक्वल टू -3, तो A 4 B -2 C -3,
कितना नंबर है, ए फोर बी माइनस टू सी माइनस थ्री, हाँ ठीक है, तो यही है ठीक है। कभी क्वेश्चन में यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई कर देगा और बताएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, यहाँ पे 2 मतलब बाहर में रख देगा एक नंबर, एक रियल नंबर, उसे मल्टीप्लाई करके तुम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट यही है, सेम है सारे क्वेश्चन में, एक ही जैसा ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा ठीक है। इसके जरिए से स्क्रीन शॉट ले लो तुम लोग और बाकी क्वेश्चन भी घर में बनाना। देखो इसको, देखो अब तक हम लोग मैट्रिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन और एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई या एक स्केलर मल्टीप्लाई हम लोग सीखे थे मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स का जो थोड़ा सा अप एक लेवल पे जो कॉन्सेप्ट है वो है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। देखो दो मैट्रिक्स है ए और एक मैट्रिक्स है सी बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो एक मैट्रिक्स आया सी। तो दो मैट्रिक्स को क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं? कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो कंडीशन क्या होना चाहिए ठीक है। अच्छा ए एक मैट्रिक्स है इसका, अब ऐसे मत समझना कि ऑर्डर सबका सेम होना चाहिए, ना 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 ना, ना वो एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए था ठीक है। ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर जो है हमें नहीं पता, हम बोल देते हैं इसका ऑर्डर जो भी होगा हम बोलते हैं क्या, इसका ऑर्डर एम इंटू एन है। इसका ऑर्डर बी का हम एम एन ओ, एन इंटू ओ है, इसका ऑर्डर मान लेते हैं एम ओ, ये मैंने अपने मन से लिखा, इसका कोई ऑर्डर, कोई ऑर्डर, कोई ऑर्डर, ए कोई भी ऑर्डर होगा, बी का ऑर्डर कुछ भी होगा, सी का ऑर्डर दो कुछ भी होगा। तो अब जब कंडीशन सुनो कि ए एक मैट्रिक्स था जिसमें ये तो रो को बताता है, ये तो कॉलम को बताता है ठीक है, यहाँ भी ये रो को बताता है, ये कॉलम को बताता है, यहाँ भी ये रो को बताता है, ये कॉलम को बताता है, क्लियर। तो पहले जो मैट्रिक्स है उसका कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का रो दोनों आपस में बराबर होगा। देखो n और मैंने n लिखा ठीक है, पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर होगा, कंडीशन है। और मल्टीप्लाई होकर जो मैट्रिक्स आया उसका ऑर्डर क्या है, m बाई ओ, तो m क्या है फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और o क्या है सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम, यानी कि इसका कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो कट के हट गया। ऐसा मैं प्रूफ मतलब ऐसा कहीं प्रूफ नहीं हुआ, मैं ऐसे बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका कॉलम इसका रो कट के हट गया, सेम है, बच क्या गया m और o, तो ये आ गया m और o। यानी कि मैं रेंडमली कोई ए मैट्रिक्स ले लूँ ए, अच्छा एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, पहला क्वेश्चन कि ऑर्डर मल्टीप्लाई होने का कंडीशन क्या है, दूसरा तुम्हें क्या दे देगा कि ए एक मैट्रिक्स दे दिया एक्स वाई, बी मैट्रिक्स नहीं दिया और ये जो मैट्रिक्स दे दिया ये दे दिया एक्स वाई जेड, तो तुमसे पूछेगा कि बताओ बी का मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। तो हम लोग क्या जानते हैं, अभी हमने सिखाया इस मैट्रिक्स का रो और कॉलम जो है, पहले मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम, जैसे कॉलम क्या है जेड, तो इसका कॉलम क्या होगा जेड ही होगा, क्लियर। और हम क्या जानते हैं कि सेकेंड मैट्रिक्स का रो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम के बराबर होता है, तो इसका कॉलम क्या होगा वाई बाई जेड, पूछ सकते हैं एग्जाम में ठीक है। ओके मैं तुमसे एक रेंडमली क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, बताओ एक माइनस वन थ्री है क्या, नहीं वन थ्री है, वन थ्री है और माइनस टू ज़ीरो है, इसको मल्टीप्लाई करना है तुमको, किससे करना है, टू फोर फाइव वन से, टू फोर फाइव वन से मल्टीप्लाई करना है ठीक है। मल्टीप्लाई किए थे तो क्या आया था, पहले रो, पहले मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स की कॉलम आया था यहाँ पे ना, मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आया था उसका ऑर्डर जो था कुछ इस तरह से था कि रो, इस मैट्रिक्स का रो फर्स्ट मैट्रिक्स के रो होगा और इसका कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम होगा, यानी कि इसका रो इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, यही हम समझाना चाह रहे थे बेसिकली ठीक है। तो ये क्या है वन है, ये क्या है वन है ना, तो वन का मल्टीप्लाई किससे होगा, टू से होगा, ये क्या है रो और ये क्या है कॉलम, ये क्या है रो और ये क्या है कॉलम, तो रो का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ, तो माइनस वन कॉमा इंटू टू
और प्लस 3 इंटू 5 माइनस वन का माइनस वन नहीं है वन है, तो वन का मल्टीप्लाई टू के साथ और फिर प्लस थ्री का मल्टीप्लाई फाइव के साथ। ध्यान सुनना, वन हमने क्या किया, वन और थ्री का मल्टीप्लाई किया टू और फाइव के साथ, ठीक है। तो वन इंटू थ्री थ्री, थ्री इंटू फाइव जो भी आया। अगेन वन और थ्री का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, फोर और वन से करेंगे मल्टीप्लाई। तो वन इंटू फोर और थ्री इंटू वन, प्लस हमेशा प्लस का सिंबल यहाँ पे होगा, ठीक है। सेम केस माइनस टू कॉमा जीरो को, माइनस टू कॉमा नहीं है, मैं कॉमा वर्ड नहीं यूज करना चाहिए था हमको, का मल्टीप्लाई किया किससे, टू को, फिर मैं बोल रहा था टू और फाइव से। तो माइनस टू इंटू टू क्या होगा, माइनस टू इंटू टू जो भी होगा, और प्लस जीरो इंटू फाइव होगा। फिर वही कंडीशन, माइनस टू और जीरो का मल्टीप्लाई फोर और वन से होगा, माइनस टू इंटू फोर जीरो इंटू वन, ठीक है। यही है मल्टीप्लीकेशन, हमने मल्टीप्लीकेशन का ऑर्डर टू पे सिखाया। अभी मैं क्वेश्चन करूँगा तो ऑर्डर थ्री उतना उम्मीद है, अगर आएगा भी तो बहुत ईजी आएगा, मल्टीप्लाई ऑर्डर थ्री वाला टफ नहीं आएगा। मैंने अभी फ़िलहाल तुमको कॉन्सेप्ट सिखाया कि ऑर्डर ये मल्टीप्लाई करने का कंडीशन क्या होना चाहिए। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि दो मैट्रिक्स है ए और बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स का रो इक्वल होगा, और जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर जो होगा, उसका जो रो होगा वो पहले मैट्रिक्स के रो के बराबर और कॉलम जो होगा सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम के बराबर होगा। एक क्वेश्चन को करते हैं, इसका स्क्रीन शॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। देखो क्वेश्चन क्या है, ए एक मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स है, निकालना क्या है, ए सी प्लस बी स्क्वायर माइनस टेन सी। क्या ए सी क्या है, ए सी ए क्या है, टू फाइव थ्री सेवन, मल्टीप्लाई करना किससे, सी से, वन माइनस वन ज़ीरो फोर, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या होगा, इसका रो इसका कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसका रो इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो टू इंटू वन टू, थ्री इंटू माइनस वन माइनस थ्री, टू इंटू ज़ीरो ज़ीरो नहीं ऐसे नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट नहीं लिखते, टू इंटू ज़ीरो, थ्री इंटू फोर, फाइव इंटू वन, सेवन इंटू माइनस वन, ठीक है, फाइव इंटू वन सेवन इंटू माइनस वन, ठीक है, फाइव इंटू ज़ीरो और सेवन इंटू फोर, ठीक है ना। टू माइनस थ्री क्या होगा, माइनस वन, टू इंटू ज़ीरो ज़ीरो, फोर इंटू थ्री क्या होगा, ट्वेल्व, फाइव इंटू वन फाइव, माइनस सेवन माइनस टू, फाइव इंटू ज़ीरो ज़ीरो, सेवन इंटू फोर ट्वेंटी एट, ये क्या निकल के आया, ए सी, ठीक है। फिर क्या बोला, बी स्क्वायर बोला है, तो बी स्क्वायर क्या होगा, बी इंटू बी, बी क्या है, ज़ीरो माइनस वन फोर सेवन, और क्या है, ज़ीरो माइनस वन फोर सेवन, उम्मीद है क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पे क्या होगा, ज़ीरो इंटू ज़ीरो ज़ीरो, फोर इंटू माइनस वन माइनस फोर, ज़ीरो इंटू फोर ज़ीरो लिख देते हैं, फोर इंटू सेवन, माइनस वन इंटू ज़ीरो ज़ीरो लिख देते हैं, सेवन इंटू माइनस वन माइनस सेवन, माइनस वन इंटू फोर माइनस फोर, सेवन इंटू सेवन फोर्टी नाइन। नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, ज़ीरो माइनस फोर माइनस फोर, ज़ीरो माइनस सेवन माइनस सेवन, और ये क्या हो गया, सेवन इंटू फोर ट्वेंटी एट, और ये क्या था, फोर्टी नाइन से फोर चला क्या आ गया, फोर्टी फाइव आ गया, ये क्या था, बी स्क्वायर था, ठीक है। और टेन सी है यहाँ पे, क्या है, टेन सी है, तो ज़रा से यहाँ पे डाइट करना पड़ेगा, जगह भी नहीं है। देखो देखो मैं थोड़ा डाइट कर रहा हूँ, ठीक है। ए सी ये कितना आया था, माइनस वन माइनस टू, ट्वेल्व और ट्वेंटी एट, ठीक है। प्लस बी स्क्वायर ये क्या है, माइनस फोर माइनस सेवन ट्वेंटी एट फोर्टी फाइव, ठीक है। माइनस टेन इंटू सी है, क्या है, टेन इंटू सी, तो टेन को इन सब से मल्टीप्लाई करना, कर दो टेन इंटू वन टेन, टेन इंटू माइनस टेन माइनस टेन, टेन इंटू ज़ीरो ज़ीरो, टेन इंटू फोर फोर्टी। क्लियर हुआ ना, पक्का क्लियर हुआ ना, टेन सी है तो टेन को ना इन सब से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो कर दिया हमने, अब क्या करना है, एड सब्ट्रैक्ट,
देखो माइनस वन प्लस माइनस फोर माइनस टेन, माइनस वन माइनस फोर माइनस टेन, थोड़ा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, ट्वेल्व प्लस ट्वेंटी एट, और ये तो ज़ीरो है, ये तो ज़ीरो है, चलो छोड़ो, माइनस टू माइनस सेवन इक्वल्स टू हटा दो, माइनस टू माइनस सेवन और माइनस माइनस प्लस टेन, ट्वेंटी एट प्लस फोर्टी फाइव, ट्वेंटी एट प्लस फोर्टी फाइव माइनस फोर्टी, ठीक है, ये माइनस फोर्टी होगा, यहाँ माइनस का सिंबल है, तो ये क्या हो गया, दस चार चौदह एक पंद्रह, माइनस पंद्रह, ट्वेल्व प्लस ट्वेंटी एट कितना हो गया फोर्टी, ये कितना आ गया वन, सेवन टू नाइन, टेन से नाइन चला गया वन, और फोर्टी से फोर्टी फाइव चला गया फाइव, फाइव प्लस ट्वेंटी एट कितना हो गया थर्टी थ्री हो गया। तो फाइनली जा करके ये आंसर आया, जरा एक बार हम लोग चेक कर ले इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है एक बार जरा चेक कर ले, तो माइनस फिफ्टीन फोर्टी, हाँ ठीक है ठीक है, क्या था, मैंने पहले ए सी निकाला यहाँ पे, फिर बी स्क्वायर निकाला और इसमें पुट कर दिया, सी के जगह पे जो था उसको हमने टेन से मल्टीप्लाई किया, और फिर अभी जो मैंने पढ़ाया था एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टी एडिशन सब्ट्रैक्शन और एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई वाला रियल नंबर का मल्टीप्लाई वाला वो यहाँ पे अप्लाई हो गया, तो आ गया आंसर। ऐसे ही सारा क्वेश्चन बनेगा, देखो एक बार क्या बोला यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी, ठीक है ए बी सी, इससे पहले हम एडिशन वाला सीखे थे, ए बी सी अभी मल्टीप्लाई वाला है, तो क्या होगा पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कहानी क्या है वही है, ए इंटू फोर फोर ए प्लस वन इंटू माइनस थ्री माइनस थ्री, ए इंटू थ्री थ्री ए, वन इंटू टू प्लस टू, वन इंटू फोर फोर, ज़ीरो इंटू माइनस थ्री ज़ीरो, वन इंटू थ्री थ्री, ज़ीरो इंटू टू ज़ीरो, मल्टीप्लाई कर लिया हमने, बी फोर एलेवन सी, गौर करो फोर फोर सेम हो गया, सी इज इक्वल टू क्या गया डायरेक्ट निकल गया यहाँ पे थ्री, सी और थ्री इक्वल हो गया, अब क्या फोर ए माइनस थ्री इज इक्वल टू बी, फोर ए माइनस थ्री इज इक्वल टू बी, और थ्री ए प्लस टू, थ्री ए प्लस टू इज इक्वल टू एलेवन, तो थ्री ए इज इक्वल टू क्या आ गया एलेवन माइनस टू यानी कि नाइन, तो ए क्या निकल के आ गया नाइन बाई थ्री यानी कि थ्री, इस ए के वैल्यू को यहाँ पे रखो, फोर इंटू थ्री माइनस थ्री इज इक्वल टू बी, फोर इंटू थ्री क्या आ गया ट्वेल्व माइनस थ्री इज इक्वल टू बी, तो बी क्या आ गया नाइन, ए नाइन थ्री बी नाइन और सी थ्री, बस खत्म, यही सवाल था, आंसर चेक कर ले जरा से इसका क्या है, थर्टी ए थ्री बी नाइन और सी थ्री, बस यही था, ठीक है, क्या किया हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया और फिर इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स को हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा दिया और सॉल्व कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, देखो क्या है कि ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और बी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और ए सी इज इक्वल्स टू बी फाइंड मैट्रिक्स सी, ये फाइंड मैट्रिक्स सी, क्वेश्चन में ऐसे बोल देगा कि ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ही बताओ सी का, ठीक है, तो देखो ए का हमें सी निकालना है कि सी क्या होगा, देखो ए ए ए का ऑर्डर क्या है टू बाई टू है ना, ए का ऑर्डर क्या है टू बाई टी टू, बी का ऑर्डर क्या है, क्या देखो तो दो रो और एक कॉलम, तो क्या है टू बाई वन, तो सी का ऑर्डर क्या होगा, याद करो मैंने लास्ट अभी अभी क्या बताया था कि इसका जो कॉलम एक्चुअली में सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम होता है यानी कि वन आएगा, और इसका रो कितना है कॉलम कितना है दो, तो सी का रो कितना आएगा दो, यही बताया था हमने कि इस मैट्रिक्स का जो कॉलम रो होगा इस मैट्रिक्स का जो कॉलम होगा वो इक्वल होगा, तो देखो दो दो इक्वल हो गया और इसका जो कॉलम होगा उस बी मैट्रिक्स के कॉलम के बराबर होगा, तो टू बाई वन हो गया, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि दो रो और एक कॉलम होगा, तो चलो ए और सी मतलब ये मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो ए कितना है टू माइनस वन और माइनस फोर फाइव, सी जो मैट्रिक्स है ना वो हम ए और बी पकड़ लेते हैं, है ना, मतलब बेसिकली ए और बी निकालना है, ठीक है, ए जो क्वेश्चन क्या है माइनस थ्री टू, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा टू इंटू ए टू माइनस वन इंटू बी माइनस बी, माइनस फोर इंटू ए माइनस फोर ए, फाइव इंटू बी फाइव बी इज इक्वल्स टू माइनस थ्री टू, तो क्या हो जाएगा टू ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस थ्री,
माइनस फोर प्लस फाइव बी इज इक्वल टू टू। इस मैट्रिक मतलब ये जो इक्वेशन है उसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं फाइव से और इसको कर लेते हैं वन से। तो अब यहाँ पे करते हैं तो क्या आ जाएगा, टू इंटू फाइव क्या होगा टेन ए, और ये क्या हो गया फाइव बी, और ये क्या होगा फाइव इंटू थ्री फिफ्टीन। ये क्या होगा वन से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस फोर ए प्लस फाइव बी इज इक्वल टू टू। नॉर्मली क्या करेंगे ऐड, तो फाइव बी कट गया, टेन से फोर गया क्या हो गया सिक्स ए, फिफ्टीन से ट्वेल्व चला क्या हो गया माइनस थर्टीन, तो ए क्या हो गया माइनस थर्टीन बाई सिक्स। ठीक है, ए क्या आ गया माइनस थर्टीन बाई सिक्स। ये इक्वेशन मैंने सॉल्व करके निकाला, इस इक्वेशन वन इक्वेशन टू को सॉल्व किया एलिमिनेशन मेथड से। इस ए के वैल्यू को तुम्हारा मन इसमें रखो या इसमें रखो, तो किस में रखना ज़्यादा सही रहेगा, किसी में भी रख लेते हैं। टू इंटू ए, ए कितना है माइनस थर्टीन बाई सिक्स, माइनस बी इज इक्व टू माइनस थ्री, दो से कटेगा ये तीन बार में कट जाएगा, तो माइनस बी को उधर लाओ माइनस थ्री को इधर लाओ, माइनस थ्री बाई थ्री प्लस थ्री इज इक्व टू बी, माइनस थ्री प्लस नाइन बाई थ्री बी। नाइन कैसे आया, वन और थ्री का एलसीएम थ्री, थ्री से डिवाइड किए क्या आया वन, वन को थर्टीन से मल्टीप्लाई किया माइनस थर्टीन, वन को डिवाइड किए थ्री से थ्री, थ्री इंटू थ्री क्या हो गया नाइन, माइनस थ्री और प्लस नाइन, तो यहाँ से बी क्या निकल के आएगा फोर बाई थ्री, यही ना फोर बाई थ्री माइनस फोर बाई थ्री। तो ए और बी निकल गया, समझ लो वही निकालना था, ए और बी ही निकालना था, यानी कि सी मैट्रिक्स का बात कर रहा है। तो सी में क्या था, ए और बी था, ए क्या निकल के आया है माइनस थर्टीन बाई सिक्स, और बी क्या निकल के आया माइनस फोर बाई थ्री। ठीक है, माइनस थर्टीन बाई सिक्स, और ये क्या है माइनस फोर बाई थ्री, यानी चेक कर ले जरा सा माइनस फोर बाई थ्री। ठीक है, तो ये बात समझ में आया कि कैसे मल्टीप्लाई करना है। स्क्रीन शॉट लो इसका, देखो एक और क्वेश्चन, ये एक मैट्रिक्स है एक्स, एक मैट्रिक्स है सेवन और सिक्स है, तो यहाँ से तुम्हें एक्स का ऑर्डर बताना है और वो और मैट्रिक्स एक्स निकालना भी है। तो देखो यहाँ भी सेम कहानी, इसका ऑर्डर क्या है टू बाई टू, इसका ऑर्डर क्या है टू बाई वन ना, है ना टू बाई वन है। तो एक्स का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, इसका रो और एक्स का कॉलम सेम, इसका रो कितना है दो, इसका कॉलम कितना होगा दो, और इस मैंने गलत बोल दिया, इसका रो फिर से गलत बोल रहा हूँ, इस मैट्रिक्स का कॉलम और इस मैट्रिक्स का रो सेम होगा, तो कॉलम कितना है दो, तो एक्स का रो कितना होगा दो, इस मैट्रिक्स का जो कॉलम होगा वो एक्चुअली में इस मैट्रिक्स के कॉलम होगा, तो टू बाई वन सेम पहले की तरह। तो क्या होगा टू माइनस थ्री वन फोर, तो हम यहाँ भी क्या ले लेते हैं, क्या बोला है दो रो और एक कॉलम, तो ले लेते हैं ए बी, यहाँ भी सेवन सिक्स। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे टू इंटू ए टू ए, वन इंटू बी बी प्लस साइन के साथ, माइनस थ्री इंटू ए माइनस थ्री ए, फोर इंटू बी फोर बी, बात खत्म। और एक है सेवन और सिक्स, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स यहाँ पे भी यूज कर लो, टू ए प्लस बी इज इक्वल टू सेवन, माइनस थ्री प्लस फोर बी इज इक्वल टू सिक्स, इसको मल्टीप्लाई कर लो थ्री से, इसको मल्टीप्लाई कर लो दो से, कर लो तो थ्री इंटू टू सिक्स ए, थ्री बी ट्वेंटी वन, थ्री इंटू सिक्स ए एट बी इज इक्वल टू ट्वेल्व, बस मैंने मल्टीप्लाई कर क्या किया ऐड कर देंगे कट जाएगा पूरा, तो एट थ्री एलेवन बी, और ये क्या होगा थर्टी थ्री, तो बी इज इक्वल टू क्या आ गया थर्टी थ्री बाई एलेवन, यानी क्या आ गया थ्री आ गया, बी थ्री आया। बी के वैल्यू को तुम्हारा मन कर यहाँ रखो यहाँ रखो और कहीं भी रखो, तो टू ए प्लस थ्री इज इक्वल टू सेवन, टू ए इज इक्वल टू फोर, सेवन माइनस थ्री फोर, तो ए क्या आ जाएगा फोर बाई टू, यानी क्या आ गया टू आ गया, ए टू बी थ्री, यानी कि जो मैट्रिक्स है एक्स वो क्या आएगा ए टू और बी थ्री। एक बार जैसे इसका आंसर चेक कर ले हम, कहाँ गया कहाँ थर्टी फाइव, हाँ ठीक है, इसका ऑर्डर क्या था टू बाई वन और मैट्रिक्स क्या आया टू और थ्री आया, तो यही था क्या था मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स का कहानी, और वो भी ख़त्म होता है। तो कुल मिलाकर मैट्रिक्स ख़त्म हुआ और एक ही वीडियो हम लोग ख़त्म कर लिए। तो बाकी तुम लोग पहले एग्जांपल देखना, पहले मेरा चैप्टर मैंने जो पढ़ाया उसको देखना, एग्जांपल देखना और चैप्टर बनाना, बन जाएगा आसानी से बन जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।